कोरोना के कहर के बीच अटकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र व राज्य सरकार 3 दिन से मंथन में जुटी है। राज्य सरकार ने केंद्र को अपने सुझाव देने के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए नए सिरे से सेंटर का गणित लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के नए फैसले का राज्य के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इंतजार है। वही शिक्षा मंत्री बोले कि बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थी जीवन का टर्निंग पॉइंट है, भले ही 1-2 माह इंतजार करना पड़े लेकिन परीक्षाएं कराएंगे। अब अगर राज्य में परीक्षाएं होती हैं तो ये अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला बदलाव, 15% से अधिक नए सेंटर बढ़ सकते हैं। पिछले साल 6,400 केंद्र थे, इस बार 7,500 हो सकते हैं। नियमानुसार आसपास 80 छात्र होने पर केंद्र बनाया जाता है, लेकिन इस बार कम संख्या पर केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा बदलाव, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं एक साथ कराने के बजाय अलग अलग समय पर हो सकती हैं। पहले चरण में छोटी यानी वे परीक्षाएं कराई जाएंगी जिनमें विद्यार्थी कम नामांकित हैं। तीसरा बदलाव, सिलेबस के हिसाब से परीक्षा का समय कम हो सकता है। कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सेंटरों को अलग बजट मिल सकता है। चौथा और अहम बदलाव, बोर्ड की कार्य योजना के अनुसार 10वीं बोर्ड की परीक्षा पर विचार नहीं हुआ तो 11वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसमें 11वीं परीक्षा में 10वीं कक्षा का 30% सिलेबस रहेगा। तो इस तरह से ये चार अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।